हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेके आई हूँ। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो भी एक पूजा पाठ का ही वीडियो है फ्रेंड्स। इसलिए आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसी तरह की बहुत प्यारी प्यारी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपको क्या चीज़ का वीडियो बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके घर में मिट्टी का दिया है, अचानक से वो खत्म हो जाए तो आप क्या कीजिएगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगी आज कि आटे का दिया से आप घर में कैसे बना सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके लिए आटा ली हूँ, पानी ली हूँ और एक कटोरा ली हूँ जिसपे मैं आटा गूंदूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक चम्मच आटा ले लिया है, एक चम्मच मैं और ले लूंगी जिससे कि मेरा दो तीन दिया आराम से बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ दो चम्मच आटा ले ली हूँ। आप अगर और भी बनाना चाहते हैं तो और भी आप ले सकती हैं। अब मैं क्या करूँगी, इससे दो चम्मच पानी मैं इसमें दे दूंगी। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आप ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि दिया का आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसे टाइट ही गूंदना है जिससे कि हमारा दिया बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लेके आती हूँ और आपको पसंद भी आता होगा, तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं, मेरे चैनल में वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे थोड़ा थोड़ा गूंद रही हूँ और इस पर बीच में अगर आपको पानी का ज़रूरत लग रहा है तो आप थोड़ा सा और भी पानी डाल सकती हैं। देखिए, मैं इसमें और हल्का सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरीके से गूंद रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस टाइप से है, आप देख रहे हैं कि ये बहुत टाइट है। अभी मैं इसमें और भी पानी नहीं डालूंगी, अगर आप थोड़ा सा और पानी डालिएगा तो ये गीला हो जाएगा और दिया बनने में आपको बहुत कठिनाई आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके हाथ में जितने भी आटे कटोरा सब में है, आप एक जगह इसे लेके और इसे अच्छे तरीके से गूंदना स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स, ये आटा का दिया मैं आज इसलिए लेके आई हूँ कि शनिवार के दिन आटा का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना बहुत शुभ माना गया है। फ्रेंड्स, अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का बुरा प्रभाव है तो आप यकीन मानिए कि आप शनिवार के दिन सुबह और शाम इस दिया को पीपल के नीचे जरूर जलाइएगा और देखिएगा कि कुछ ही दिन में यह चमत्कार आपको महसूस होगा कि आपके सारे कष्टों से आप दूर हो जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसे आप हाथ में काफ़ी देर तक मलिएगा जिससे कि वह पूरा खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने पानी कम डाला था और देखिए ये कितने अच्छे डो बन के तैयार हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसका एक छोटा सा टुकड़ा इसमें से तोड़ लूँगी और उसे अच्छी तरह से गोल कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसे गोल करते करते भी आप थोड़ा सा प्रेशर डाल के कीजिएगा तो ये सॉफ्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और भी आपका। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक छोटा सा लोया लेके अब मैं क्या करूँगी, इसे दोनों अंगूठा से बीच में प्रेस करूँगी थोड़ा 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 करके फ्रेंड्स। और आप ध्यान रखिएगा, इसका आकार भी देते रहिएगा, ऐसा नहीं कि आपका पीछे से गोल रह जाए तो आपका दिया जो है वो नीचे नहीं बैठ पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीका से मैं कर रही हूँ, दोनों अंगूठा से बीच में प्रेस कीजिएगा और गोल गोल घुमाएगा जिससे कि आपका दिया शेप लेना स्टार्ट कर देगा। देखिए फ्रेंड्स, आप क्या कीजिएगा, पहले इसे अच्छे तरीका से शेप देके फ्रेंड्स उसके बाद हथेली पे लेके तब उसके बाद बीच में गहराई का आकार दीजिएगा। देखिए, जैसे मैं वीडियो में आपको करना बता रही हूँ कि इसे आप एक साइड से हल्का से इसका प्रेस करके दोनों साइड से आप इसका दिया का शेप दे दीजिए फ्रेंड्स। देखिए, ये मैं डाल रही हूँ, इसे मैंने दिया का शेप डाल दिया। अगर आप चाहती हैं तो आप शेप नहीं भी डाल सकती, आप इस तरह गोल भी दिया डाल सकती हैं। अगर आपको पंचमुखी दिया
चाहिए तो आप थोड़ा सा लोया और भी बड़ा लेके और उसके बाद उसका पांच मुखे डाल सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक मुख डाला है उसी तरह से पांच मुख डाल दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप दिया के आगे सेब दे के एक बात का ध्यान रखिएगा कि हाथ पे लेके उसे बीच में प्रेस कीजिएगा और उसका गहराई बनाइएगा जिसमें आप बाती डालकर दिया बना सके, तेल डाल के उसे अच्छी तरीके से जला सके। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बहुत ही प्यारा प्यारा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। मैंने फ्रेंड्स इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, आप मेरी उन सारी वीडियो को भी जरूर देखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपको अगर पसंद आएगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ फ्रेंड्स कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये दिया कितने अच्छे तरीके से मैंने इस बाउल के ऊपर डाला है, ये बैठ चुका है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं एक बाती ले ली हूँ। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक बत्ती का वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने कलरफुल बत्ती बनाना सिखाया है, किस दिन कौन सा बत्ती जलाएं, ये चीज़ का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक बत्ती डाल दिया है, बहुत ही प्यारा सा। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि शनिवार के दिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप तिल का ही तेल से भगवान जी का आरती करें। अगर आपके घर में तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल डालिएगा, लेकिन घी का तेल नहीं डालिएगा, आप सरसों का तेल या तिल का तेल से ही जलाइएगा। और अन्य दिन आप घी का तेल जला सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सरसों का तेल दिया है, अब मैं अपना दिया जला ली हूँ। देखिए कितने अच्छे तरीका से जला है फ्रेंड्स, कहीं कुछ भी नहीं है। ये ऐसा देख के लग ही नहीं रहा है कि आटा का दिया है, लग रहा है इसे कि मिट्टी का दिया है। फ्रेंड्स, मैं बहुत उम्मीद लेके आती हूँ आप लोगों के साथ ये सब वीडियो शेयर करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरी वीडियो पे एक भी लाइक एक भी व्यूज़ आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने ग्रुप में, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत अच्छा अच्छा वीडियो और भी लाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बन के तैयार है, आप इसे पीपल के नीचे जाके जरूर रखिएगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके ऊपर किसी भी तरह का बुरा प्रभाव है तो वो जरूर उसके लिए आपको मुक्ति मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अभी एक मुख का बना के दिखाया है, आप इसी तरह से चारों तरफ के दो मुख का ही बना सकती हैं। दिया मेरा बन के तैयार है, ये कितने अच्छे तरीके से बैठ भी गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।